आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पोको फ़ोन में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है या फिर आपके पोको फ़ोन में वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, नीचे ये साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा तो ये साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आने के बाद नीचे आइए, अब नीचे आने पर आएगा ये वाइब्रेट और वाइब्रेट में आएगा ये वाइब्रेट फॉर कॉल्स। तो यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में कॉल आता है और रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो ये वाइब्रेट फॉर कॉल्स अगर आपका बंद है तो इसे ऑन करिए। इसे ऑन करने पर आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा, तो रिंगटोन के साथ आपके फ़ोन में वाइब्रेशन होगा। नीचे ये वाइब्रेट इन साइलेंट मोड आएगा, तो अगर आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में लगाते हैं और कॉल मैसेज आने पर आपका फ़ोन वाइब्रेट नहीं होता है तो साइलेंट मोड में वाइब्रेशन लगाने के लिए ये वाइब्रेट इन साइलेंट मोड ऑन करिए। अब यहाँ पे अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड में नहीं है तो कॉल मैसेज आने पर रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा, और अगर आपने अपने फ़ोन को साइलेंट पे लगाया है तो भी कॉल मैसेज आने पर आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा। तो ये दोनों सेटिंग्स यहाँ से ऑन करें। नीचे ये हैप्टिक फीडबैक आएगा, तो यहाँ पे अगर आपको अपने फ़ोन में टच करने पर वाइब्रेशन ऑन करना है तो ये हैप्टिक फीडबैक आएगा, ये बंद है तो इसे ऑन करिए। अब यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स अगर आपके फ़ोन में ठीक है बट फिर भी आपका फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन को किसी सर्विस सेंटर या फिर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे दिखा सकते हैं, क्योंकि फिर चांसेस हैं कि आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो वो आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो एक बार आप ज़रूर चेक करा सकते हैं अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर या फिर किसी रिपेयरिंग शॉप पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।